रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शम्स किचन। आज हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। तो इसमें जो चीज़ें पड़ेगी वो ये 2 चम्मच मैंने ये खाने के लिए मायो के, तो इसमें हम डालते हैं 7। ये चिकन मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, तो चिकन 7 मैं डाल रही हूँ, जो जिस तरह आपको ज़रूरत है उस लिहाज से डालें। और 7 मैं डालूँगी ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी मायो में नमक होता है, तो हल्का सा हम डालेंगे। तो इसमें हम ये 7 काली मिर्च हल्की सी, अभी हम इसको इस तरह कर लेंगे, जान हो जाए। ये बड़े मज़े के होते हैं, घर में बनाए साफ़ सुथरा बनता है। जब आप बेकरी से लेते हैं या कहीं से, एक तो ये महंगे पड़ते हैं और दूसरा वो सफाई का भी पता नहीं कि साफ़ होंगे कि नहीं। तो अपने घर में ये सारी चीज़ें करें। अब ये हमारा तैयार हो गया, तो अब हम इसमें लगाते हैं ये इस पे ब्रेड पे। ये 4 अदद मैंने ब्रेड ली है, तो इस तरह अभी इस पे हम इसको रखेंगे, फिर ये 4 अदद ब्रेड लिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं इसमें जितना चाहें। ये बड़े मज़े के लाइट से होते हैं। अब तीसरी ब्रेड इस पर हमने रखी है, चाहें तो इसमें और जो चाहे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, बस लाइट सा बनता है। और ये चिकन को पहले बॉयल ज़रूर करना है, अच्छी तरह बॉयल करके फिर इसको रेज़ा रेज़ा कर लें, तो ये बड़े मज़े का बनता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करें जो मैंने बताई हैं। ये इस तरह हमने ये 4थी ब्रेड लगाई है इस पर। तो अभी ये क्विक रेसिपी है, जैसे भूख लगे फटोफट करके आप बना सकते हैं। कोशिश करें ये इस तरह की ना, इसमें चिकन वगैरह डाल के, चिकन और ये काली मिर्च नमक और ये चीज़ें डाल के ना, और मायो डाल के, तो ये आप फ्रिज में भी इसको डाम के फौरी करके रख सकते हो। जब आपको भूख लगे फौरी ब्रेड निकालें और ये इस पर लगा के खा सकते हो। तो अभी हम इस पर एक और ब्रेड लगाएंगे। तो अभी ये नज़रीन देखे तैयार हो गया। अब हमने इस पर इसको एक चौन कर लिया। अब इसको अब यहाँ से ऐसे ऐसे दबाएं क्योंकि ये आपस में सही तरह हो जाए। तो अभी हम जब ये अच्छी तरह इस तरह आपस में मिल जाएं, तो फिर ये छुरी को ऐसे रखें, ये छुरी मेरी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन ये नाइस बनेंगे। ये देखें तो नाज़रीन, ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। आप इसको खाएं, इंजॉय कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।